नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल मार्केट मूवर पे सभी का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल, आप देख सकते हैं, और 30 अप्रैल को देखिए अंबुजा सीमेंट, TVS मोटर, कोटक महिंद्रा बैंक, अजंता फार्मा, कैनफिन होम्स, कॉन्केयर, एक्साइड इंडस्ट्री, गोदरेज प्रॉपर्टी, गेमेन इंडिया, ग्रू फाइनेंस, रेमंड और सुपर स्टॉप, इन सबों का रिजल्ट आने वाला है, तो नज़र पे बना के रखिए। इसमें से सबसे ज़्यादा कोटक महिंद्रा बैंक, TVS मोटर, अजंता फार्मा, इसका रिजल्ट मार्केट इंतज़ार करेगी। देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद ये पहले ये रिजल्ट आता है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट आज ओपन है और फिर कल से ये क्लोज रहेगा। कल की और कल महाराष्ट्र डे के हिसाब से कल मार्केट फिर से क्लोज रहेगा बुधवार को, और बृहस्पतिवार को मार्केट ओपन होगा। तो जो भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी का, वो हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही दिन मिलेगा, वो एक्सपायरी का दिन होगा, बृहस्पति का दिन। तो कल का ट्रेडिंग सेशन बंद है, तो आपका प्रीमियम हो सकता है बेकार जाए, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। अगर पोजीशन लेते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी हो रही है निफ्टी का, इसीलिए मैंने ये न्यूज अपने इसी वीडियो पे डाल दिया है कि आपको ये दिमाग में रहेगा। तो चलिए फिर से आगे देखते हैं। एक रिजल्ट आया है प्रिसिडेंट सिस्टम का, ये देखिए नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 7.6% और रेवेन्यू भी डाउन हुआ 2.2% के आसपास। आज के लिए मैंने इंट्राडे पे यस बैंक को रेफ़र किया। आप इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो भी अपलोड किया, इसका टेक्निकल लेवल्स को भी देखा, और इसका रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुआ, नेट लॉसेस हुआ देखिए 1500 करोड़ का अगेंस्ट द प्रॉफिट हुआ था 1200 करोड़ के आसपास का, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने 1500 करोड़ का लॉस दिया। लॉस का कारण बताया है एक दो, मैंने वो वीडियो पे आपको बताया है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं कि लॉस का वजह क्या बताया है कंपनी के CEO ने। और आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प का भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुआ, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 24% फॉल कर गया है और रेवेन्यू भी 8% डाउन हुआ है, अप्रॉक्स 8% डाउन हुआ। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलेगा, तो आप हिसाब से ट्रेडिंग कीजिएगा। ये काफ़ी फ्लक्चुएशन रहता है न्यूज बेसिस स्टॉक पे, अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, अपने ट्रेडिंग डेक्स पे लगाइएगा, ये हेल्प मिलेगा आपको ट्रेडिंग डेक्स पे लगा के ट्रेड करने में, क्योंकि इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कैस्ट्रॉल इंडिया नेट प्रॉफिट 185 करोड़, 5.3% अगेंस्ट 90.6% 976 करोड़। रेवेन्यू भी अप हुआ 5.3% और नेट प्रॉफिट अप हुआ 185 करोड़ का। कैस्ट्रॉल इंडिया भी देख सकते हैं, एनटीपीसी में भी मैंने बताया कि एनटीपीसी में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टार्ट कॉमर्शियल ऑपरेशन एट इट्स गादरवाला प्लांट WEF April 30, आज ही ये प्लांट का ओपनिंग होगा मध्य रात्रि में, मतलब मिडनाइट पे 12 बजे के बाद। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है एनटीपीसी के लिए, देखिएगा इसमें हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, तो आप देखिएगा इस वीडियो के नीचे या इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आएगा, जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले इन तीन स्टॉक पे यस बैंक, टाटा मोटर्स और एनटीपीसी पे इंट्राडे के लिए डाला। तो वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करता हूँ, क्विक रिव्यू देखता हूँ। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट 72 करोड़ का आया, लॉसेस के अगेंस्ट में 113 करोड़ का लॉस था, ये भी अच्छा इंट्राडे पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। आगे इस पे और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सारा चीज़ देखने के बाद ही आपके पास ये वीडियो रखा है। तो चलिए वीडियो कहीं पे लास्ट करता हूँ, आप मार्केट थोड़ी देर बाद ओपन होने वाला है, तब तक वीडियो आप देख लीजिए और अपने इंट्राडे पे तीन स्टॉक को ज़रूर लगा के रखिए, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरह की वीडियो, जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है कि मार्केट खुलने से पहले जितने भी न्यूज बेस स्टॉक रहेंगे वो आप तक पहुँचा दूँगा, ये आपको फ़ायदा, इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा ज़रूर कमेंट कीजिए, नहीं तो ये सीरीज को मैं बंद कर दूँगा। जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए इस वीडियो का ही अंत करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो रिगार्डिंग द शेयर मार्केट अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू, हैविंग ए गुड डे, हैविंग ए गुड ट्रेडिंग डे, बाय बाय।